हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों नवरात्रा शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर व्रत तो हर कोई रखता ही है और व्रत में फलाहारी चीज़ों का ही सेवन किया जाता है। इसलिए आज मैं आपसे एकदम अलग तरीके से बने व्रत वाले पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिन्हें बनाना भी बहुत आसान है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। तो चलिए दोस्तों, ये चटपटे क्रिस्पी पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमें इसमें उबाल कर ही इस्तेमाल करना है, तभी पकौड़े अच्छे बनेंगे और अच्छी बाइंडिंग मिलेगी। कच्चे आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये पकौड़े एकदम अलग तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर मैशर की सहायता से आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि आलू के बड़े टुकड़े इसमें ना रहें। चाहें तो कद्दूकस से कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब आलूओं को मैश करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर साबूदाना। तो ये 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। कोई भी साबूदाना आप बारीक या मोटा ले सकते हैं, और साबूदाना को हमें भिगोना नहीं है। बिना भिगोए हुए हम साबूदाना के बढ़िया क्रिस्पी पकौड़े बनाने वाले हैं और इससे समय भी बचेगा। अब सबसे पहले हम इन साबूदानों को एक पैन के अंदर डालकर लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं, ताकि इनका हल्का मॉइस्चर निकल जाए और जब हम इन्हें ग्राइंड करें तो ये इजीली ग्राइंड हो जाएं। साबूदाना को रोस्ट करके लेने से जो पकोड़े बनते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैंने साबूदाना को रोस्ट कर लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और साबूदाना को ठंडा करके एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर साबूदाना का मैंने पाउडर बना लिया है और ये देखिए काफ़ी दानेदार लेकिन फाइन टेक्सचर इसका तैयार हुआ है। तो इस साबूदाना के पाउडर को हम मिलाएंगे इस बोल के अंदर, जिसमें पहले से ही हमने आलू मैश करके रखे हैं। अब सेम ग्राइंडर जार में मैं 1/2 कप मूंगफली ले रही हूँ। मूंगफली को मैं कच्चा ही ले रही हूँ, क्योंकि जब आगे फ्राई करेंगे तो मूंगफली खुद ब खुद पक जाएगी। आप चाहें तो हाफ रोस्ट मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली को हमें दरदरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका ना बनाएं। अब ये मूंगफली का पाउडर भी इस बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पकौड़ों में और भी अच्छा टेस्ट और क्रिस्पीनेस लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप समा के चावल का आटा। तो देखिए ये इस तरह का पैकेट आता है, इसे व्रत में खाया जाता है और इस पर कई तरह के नामों से ये जाना जाता है, तो वो मेंशन है। तो आप इस तरह से रेडीमेड समा के चावल का आटा ले सकते हैं, या फिर समा के जो चावल आते हैं और कई तरह के मोरधन गोविंद भोग नामों से ये जाने जाते हैं, ये इस तरह के होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं और कई चावल तो इससे भी बारीक आते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें लेकर फिर इनका पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो ये 1/4 कप सामक का आटा हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और अब हम फ्लेवर के लिए इसमें 2 से 3 एकदम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तीखापन इसमें हरी मिर्च से ही आएगा, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हरी मिर्च की मात्रा का आप इस्तेमाल करें। अब इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और अब डालेंगे इसमें 10 से 12 करी पत्ते, जिन्हें मैंने बारीक काट कर लिया है। इसका फ्लेवर भी इन पकौड़ों में बहुत अच्छा आता है, लेकिन अवेलेबल नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। तो साबुत जीरा ही इस्तेमाल करेंगे, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन यदि आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और जो पकौड़े बने वो काफ़ी चटपटे बने। तो इसके लिए मैं 1 चम्मच ले रही हूँ चाट मसाला। आप चाहें तो आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि व्रत में आप चाट मसाला या आमचूर का पाउडर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप नींबू के जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक ऐड कर लेंगे और डालेंगे इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और बस सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आलू के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसे हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और ज़रूरत के अनुसार 2 से 3 चम्मच इसके अंदर पानी डालेंगे। तो इस मिश्रण को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। तो आलू जितनी भी नमी है उस वो छोड़ देगा, उससे ये जो मिश्रण है उसमें काफ़ी नमी आ जाएगी। फिर धीरे धीरे आप इसमें पानी ऐड करें, तो इससे क्या होगा कि ये जो मिक्सचर होगा वो ज़्यादा ढीला नहीं होगा, क्योंकि ये जो पकोड़े हम बना रहे हैं उन्हें हम बोल शेप में बनाएंगे, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी और देखने में सुंदर बनते हैं। यदि आप एकदम पकौड़ी की तरह इसे बना रहे हैं तो फिर आप इस मिश्रण को थोड़ा और भी ढीला रख सकते हैं।
तो 1/4 कप पानी का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये मिश्रण तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है। बस इसे इतना ही रखना है कि जब हम बॉल बनाएं तो ये अच्छे से बाइंड हो जाए। अब हाथों को तेल या फिर घी से ग्रीस कर लें ताकि इजीली हम इसे बॉल बना पाएँ, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए इसे ऐसे गोल कर लें। बहुत ही आसानी से ये बॉल्स बन जाती हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी बॉल बनकर तैयार हुई हैं। और इन बॉल्स को आप चाहें तो 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आप पकौड़े बनाना चाहें तब इन्हें फ्राई कर सकते हैं। सारी बॉल हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब इन्हें तेल या घी के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। तो शुरुआत में हम गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखेंगे ताकि जो बॉल्स हैं वो जैसे ही तेल के अंदर जाएँ तो वो घुले नहीं। अब जैसे ही इनके ऊपर हल्का टेक्सचर आने लगे तब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और धीरे धीरे इन बॉल्स को डीप फ्राई करेंगे। शुरुआत में क्योंकि ये सॉफ्ट होती है तो हमने कढ़ाई को ही हिलाया है, इसमें चम्मच वगैरह नहीं चलाया है। और जब इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए तब इन्हें चम्मच से चला दें। तो यहाँ पर पहले मैंने एक बैच बनाकर तैयार कर लिया है, और जब ये बैच फ्राई होगा तो साइड बाई साइड हम दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेंगे इन पकौड़ों का। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इनका कलर आ गया है, एकदम बढ़िया लाल लाल इन्हें करें ताकि अच्छी क्रिस्पी लगें ये खाने में। और जब ये अच्छी क्रिस्पी हो जाती हैं तो तेल में ऊपर तैरने लगती हैं। तो ये बढ़िया कुरकुरी साबूदाना की पकौड़ी बनकर तैयार हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम तरीके से हम दूसरी बनाई हुई बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। साबूदाना को भिगोकर जो पकोड़े बनाए जाते हैं उसके बजाय यदि आप इस तरह से साबूदाना के पकोड़े बनाएंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो ये बैच भी हमने फ्राई कर लिया है, तो इन्हें भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। और ये देखिए मैं एक पकोड़ा आपको पास से दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए आप ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है। तो जिस तरह आलू के बोंडे होते हैं ठीक वैसे ही ये दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छा ये क्रिस्पी बनता है। तो बहुत ही कम मसालों में व्रत में बना ये चटपटा नाश्ता खाने में सबको बहुत ही पसंद आता है। और ये देखिए इसका क्रिस्पीनेस, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, अच्छे से ये पक चुके हैं। तो आप इसे व्रत वाली चटनी, दही या ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों व्रत शुरू होने वाले हैं, तो आप भी व्रत में ये क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े जरूर बनाएं। और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और मेरी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।